हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके आए, उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, इस इंजन पे जो है वो मैं बहुत सारी वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, मगर ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कैटरपिलर 3412 और 3408 इंजन जो है उन पर काम किया 34 की सीरीज में, तो आपने अगर हेड के बोल्ट टाइट करने हैं तो आपको जो इसका टार्क रेंच है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप मैनुअल टाइट करते हैं तो मैनुअल टाइट में क्या है कि जो पुराने बोल्ट्स होते हैं वो टूटने का ज़्यादा ख़तरा रहता है, और दूसरा ये है कि जो उसकी एडजस्टमेंट होती है हेड की वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं कि हेड गैस्केट जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल रहे होते और फिर दोबारा वार्न आउट हो जाते हैं और हीटिंग प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कहीं भी आप हेड का काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो टार्क रेंज का करना ज़रूरी है। टार्क रेंज से जो है वो आप बुल्डों का टार्क करें। तो ये कैटरपिलर 3408 इंजन है और इसके हेड का जो बोल्ट्स हैं उनका जो साइज़ है वो 19 mm है, और इसका जो सही रियल तरीका है इसका टार्क का, आपने टार्क इसको एडजस्ट करना है। फर्स्ट टार्क जो है वो आपने इसको 200 जो है वो फुट पाउंड देना है फर्स्ट टार्क जो है, यानी कि जैसे ये है फुट, और मैं ऑलरेडी जो है इसको 200 फुट पाउंड जो है वो दे चुका था, और सेकंड टार्क में जो है वो मैं इसका अभी कर रहा हूँ। तो सेकंड टार्क में जो है वो 320 to 30 जो है इसका टार्क रहेगा, 330 जो है वो फुट पाउंड जो है इसका टार्क रहेगा। तो मैं जस्ट जो है वो आपको चेक करा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा जो है वो टार्क रन जो है वो यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए 100% जो है वो सही रहेगा, और एक्यूरेट तरीके से जो है वो आपके बोल्ट जो है वो टाइट होंगे। चले टाइट करें जी थोड़ा सा। बस दूसरे को करें। दूसरे को करें। बस क्योंकि ये जो वॉच टाइप जो है, ये टार्क जो है वॉच टाइप जो टार्क है, ये इसको जो है वो दूसरा बंदा जो है वो ज़रूरत रहता है, दूसरे बंदे की ज़रूरत रहती है इसको देखने के लिए, और जो बंदा टार्क कर रहा था है, क्योंकि अगर वो नीचे है तो दूसरे बंदे को इसकी हेल्प की ज़रूरत रहती है। मगर इसका जो सही टार्क है, सही टार्क का जो इसका एक्यूरेट साइज़ है वो फर्स्ट टार्क जो है आपने 200 जो है वो फुट पाउंड करना है, और सेकंड टार्क जो है वो आपने 330 करना है। और अगर पुराने बोर्ड्स हैं तो आप 320 से 25 और 30 के दरमियान रुए रख सकते हैं, क्योंकि इसके बोल्ट्स के हिसाब से कि अगर बोल्ट्स पुराने अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नए बोल्ट्स हैं तो उनको 330 जो है वो पूरा टार्क मिलेगा। तो उम्मीद है हमारी इस छोटी सी वीडियो से आपको कोई फायदा होगा। इंशाल्लाह अज़ीज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।